शिशु की जो मौत हुई, जब आपकी ड्यूटी थी, जैसा कि आप पे एलिगेशन लग रहा है कि आपने उसके समय पे केयर नहीं की, पूरा बताएं संजीत में क्या मामला था, पूरा कैसे हुई बच्चे की मौत? बच्चे की मौत कैसे हुई डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन कर दिया, पर मैं जब अपनी ड्यूटी पे आई तो मैंने रात में बच्चे को देखा, बच्चा भी ठीक था, माँ भी ठीक थी, सारी जो पीएनसी थी वो भी ठीक थी, पर रात में ये लोग हमारे पास 1:30 से 2 बजे आए कि बच्चा रो रहा है, घूम फिरा, तो हम लोग ने देखा उसको, जो हम लोग केयर दे सकते थे पूरी केयर दी उसको, वार्मर में रखा, मदर के साथ फीडिंग दी, अच्छे से बच्चे को गर्म रखा, उसके बाद 1.5 घंटे हमारे पास को लेबर रूम में है, फिर वो बोले कि बच्चा भी ठीक है, वो लोग भी बोले, हम भी बोले हाँ ठीक है। फिर जब बच्चा ठीक था तो फिर मौत कैसे हो गई, सवाल तो वहीं आ गया। फिर बच्चा और माँ दोनों लोग अपने पेट में चले गए, फिर उन लोगों को बताया कि बच्चे को जब भी आप दूध पिलाएं तो बच्चे को डकार जरूर दिलाएं, वो मोस्टली सभी को बताया जाता है, तो उन लोगों को बताया, फिर अब उन लोगों ने रात में दूध पिलाया होगा, अब उन लोगों ने डकार दिलाई नहीं दिलाई या बच्चे के गले में दूध फंस गया, ये जांच का विषय। हाँ, तो अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि उसकी माँ ने हमें बताया शिशु को कि आपने जो कॉपर्टी लगाई वो बिना अनुमति के लगा दी, तो गंभीर मामला है। जी नहीं, कॉपर्टी उनकी सहमति से लगी है, उसके उनके साइन भी है, उसके जो सास है मदर इन लॉ के साइन, मतलब ये मान लिया जाए कि उनका जो उनकी जो है शिकायत है वो निराधार है, गलत है, आपने कापड़ी जो है मतलब पूछ के ही लगाते हैं सभी को बिना अनुमति, उनका तो कहना है, उनके परिजनों गार्डियंस का कहना है कि आपने अनुमति नहीं लिया, उनकी साइन है आप दे सकते हैं, उनका अंगूठा लगा हुआ है, उनके साइन है, उनके जो नंद थे उन्होंने भी बोला हाँ लगा दीजिए। आप दोनों थे ड्यूटी के दौरान जब बच्चे की मौत हुई थी, तो कैसे हो गई मौत उसकी? बच्चा वो बच्चे को लेके आए, उन्होंने बोला कि बच्चा थोड़ा दूध नहीं पी रहा है और बच्चा है दूध मतलब दूध डाल रहा है, मैंने उसे लिया कि आप बच्चे को ला लो, बच्चे को लाए मदर के साथ वार्मर पे रखे, मशीन पे रखे उसे, और अपने अपने आँखों के सामने बच्चे को दूध पिलवाए, मदर को केयरिंग का बताया, कंधे पे लेके डका दिलाने का, और बच्चा भी अच्छे से फिट कर लिया। घटना कैसे हो गई, जब पे एलिगेशन लगा रहे हैं आप लोगों पे, स्टॉप पे एलिगेशन लगाया जा रहा है, अगर समय पे क्लियर होती तो बच्चे की मौत नहीं होती? जी, वो उनके साथ वाले बता रहे थे कि उन्होंने दोपहर टाइम पे बताया था कि बच्चा दूध नहीं पी रहा था, तो मदर का दूध चम्मच से निकाल के पिलाया, तो चम्मच से निकाल कर नहीं पिलाना चाहिए था। जी, 6 मंथ तक तो बच्चे को मदर का ही दूध पिलाना चाहिए। अच्छा, कापड़ी की भी बात हो रही है, क्या अनुमति ली थी आप लोगों ने उनके गार्डियन से? जी बिल्कुल, उनकी सास से बात हो चुकी थी, उनकी सास बहुत खुश हो गई थी बेबी होने के बाद, बोली हमें एक लड़का एक लड़की चाहिए। अब जो एलिगेशन लगा रहा है वो उसकी मौत के बाद लगा रहा है कि अब अगला बच्चा हमारा नहीं होगा, और जो उन्हें जो आपने जो कापड़ी डाली थी वो परमिशन ली थी? जी, बिना अनुमति के हम किसी को नहीं डालते। मीडिया को कागज उपलब्ध करा पाएंगे आपका जो? जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रूफ रहता है हमारे पास फाइल में उपलब्ध है।